आज एक ऐसी मूवी देखकर आया हूँ जिसे देखने के बाद मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है और सीना चौड़ा के हाँ मी मराठिया हो मैं मराठी हूँ महाराष्ट्र से हूँ उस जमीन से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथीदारों का लहू इसीलिए बहा है ताकि इस हिंदवी स्वराज की स्थापना हो सके यार इस मूवी को देखने के बाद ना सीरियसली रोंगटे खड़े हो गए थे तो वेल well, हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी आज मैंने एक मराठी मूवी देखी सर सेनापति हम्बीर राव जो छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में छत्रपति संभाजी महाराज के सेना के सर सेनापति थे यानी कमांडर इन चीफ ऑफ मराठा सेना और जिस तरीके से उस इतिहास को बड़े पर्दे पर दिखाया गया है ना वो काबिले तारीफ है लेकिन इसका फर्स्ट हाफ माइंड ब्लोइंग है यार सबसे पहले तो बता दू की अगर आप एक मराठी नहीं भी हो आपको मराठी नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें आधे डायलॉग्स हिंदी में ही है क्यूँकी इसमें मुगल सल्तनत भी दिखाई गई है और फिल्म देखते वक्त नीचे इंग्लिश में सब भी आते हैं तो मूवी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो ये जो मूवी है वैसे तो ढाई घंटे की है यानी थोड़ी लंबी कह सकते हैं जिसमें फर्स्ट हाफ आपको सीट से बांधे रखेगा पर अदर हाफ आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है बट इस फिल्म में बोर होने की कोई वजह आपको नहीं मिलेगी स्टोरी जबरदस्त म्यूजिक और बीजेम में इन्होंने दमदार काम किया है कहीं कहीं ऐसा म्यूजिक है की आपको गूसबम्स आ जाए और गाने भी शानदार है एक्टिंग में हर किसी ने ऐसा काम किया है कि आपको लगने लगेगा कि स्वयं सारे ओरिजिनल कैरेक्टर्स ही आपके सामने आ चुके हैं एंड वॉट एन एक्टिंग बाय मिस्टर प्रवीण तरडे सर उन्होंने इस फिल्म में सर सेनापति हमीर राव का रोल बखूबी निभाया है ऐसा लग रहा था कि ये रोल बस उनके लिए ही बनाया गया हो वैसे आपको बता दो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी खुद प्रवीण तरडे ही है और उनके डायरेक्शन में भी आप कोई कमी नहीं निकाल पाओगे देखो ये एक हिस्टोरिक फिल्म है तो हिस्ट्री के बारे में ऑलमोस्ट हर किसी को पता होगा ही तो ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में कोई सस्पेंस वगैरह है पर फिर भी ये फिल्म आपको किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगेगी इस फिल्म के डायलॉग्स इस फिल्म की रियल जान है मन करता था की हर डायलॉग पर तालिया बजाओ स्पेशली हम राव के मुंह ऐसी जितने भी डायलॉग निकले है ना सारे सीटी मार है लिटरली इनके डायलॉग्स आरोप थिएटर में तालिया बज रही थी और साथ ही कुछ डायलॉग्स आपको गूस बम्प भी देंगे ऐसा लगता है कि अभी एक तलवार उठाओ और जाकर चला जाओ उस मूवी के अंदर लड़ू लड़ाई करू इतना गोज बम्प फर्स्ट हाफ की स्टोरी और पेस काफी फास्ट है जिसमें आपको लिटरली टाइम का पता नहीं चलेगा बट लेटर ऑन जब स्टोरी सेकंड हाफ में चली जाती है तो थोड़ा सा मूवी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी बट स्टिल हिस्ट्री के सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करने के लिए वो जरूरी भी था एक सीन है इसमें जिसमें हम्बीर राव और उनकी सेना मुगलों ने मंदिरों से चुराए हुए देवी देवताओं की मूर्तियों को वापस लाते हैं। वो सीन बॉस boss... एक्सेलेंट मतलब वो स्टोरी की क्वालिटी सिनेमाटोग्राफी कैमरा एंगल्स ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बिग बजट वाली मूवी देख रहा हूँ और सीन को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ना क्या सीन था यार मैं कहता हूँ कि इस पूरे मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था वो और उससे भी ऊपर एक और बात कहना चाहूंगा की अभी तक जितनी भी मूवीज बनी है ना मराठी इंडस्ट्री में किसी भी हिस्टोरिक स्टोरी पर स्पेशली शिव चरित्र पर आधारित हिस्टोरिक मूवी में से ये अभी तक की सबसे बेस्ट है और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा की कि हर किसी ने इस मूवी को देखना ही चाहिए स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र से हो या मराठी हो तो फिर तो आप इसे मिस नहीं कर सकते बॉस क्योंकि इस फिल्म में शिवकालीन इतिहास के छोटे छोटे पहलुओं को आप देख पाओगे इवन जब शिवाजी महाराज के बाद जब उनके बेटे संभाजी महाराज राजा बने तब क्या हुआ वो भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा सो आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस दैट प्लीज हा मूवी नक्की बघा माजा कडुन मूवी ला फोर आउट ऑफ फाइव स्टार्स पुनः भेटूया नेक्स्ट वीडियो मध्ये जय भवानी जय शिवाजी